हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज हब, एनहेंस योर नॉलेज। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग में क्या नया फीचर्स आया है जो मुझे देखने को मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और यहाँ से बताऊंगा कि सैमसंग नोट्स में एक मुझे अपडेट मिला है जो कि काफ़ी आपको थोड़ा सिंपल बना देगा सैमसंग नोट्स को और काफ़ी ईजी कर देगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने ये पेन को ड्रॉप करके और यहाँ से सैमसंग नोट्स निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से मैं क्रिएट नोट पर जाता हूँ। यहाँ देखिए, मैं इसका फुल साइज करके आपको दिखाता हूँ कि वो फीचर्स क्या है। यहाँ से मैं इसका फुल साइज कर लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक। अब इसमें आपने एक चीज जैसे मैं आप कुछ भी नोट्स बनाता हूँ, ठीक। जैसे कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं, आप तो आपको पता ही होगा कि इसमें पाम रिजेक्शन का फीचर्स मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे हाथ रखे और इसमें ही मैंने हाथ रखा है या पेन चलाया कुछ भी इस पर वर्क नहीं करेगा, ठीक। जैसे भी मैं पेन का यूज़ करूँगा या पेन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ हेलो और यहाँ कोई नोट्स बना सकता हूँ। जैसे मान के चलिए मैं कोई बायोलॉजी का नोट्स बनाना है मुझे, तो वही बना सकता हूँ, ठीक। कोई मुझे जियोलॉजी का नोट्स बनाना है, वही बना सकता हूँ। मुझे इकोनॉमी के नोट्स बनाने हैं, यहाँ भी मैं वर्क कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मैं कोई भी सर्कल ले सकता हूँ या फिर कोई ट्राइंगल ले सकता हूँ जिसमें मैं कुछ नोट्स फ्लिप कर सकता हूँ, ठीक है। अब बात आ रही है इसके कलर की। अगर मैं कलर की बात करूँ, ठीक, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि चेंज स्टाइल करना है। कौन सा स्टाइल चेंज करना है? इसका एक आउटर लाइन चेंज हो जाएगी। यहाँ से आउटर लाइन कौन सी चेंज करनी है, किस कलर में चाहिए आपको? जैसे मुझे इस कलर में आउटर लाइन चाहिए, इसका आउटर लाइन कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। वहीं मैं फिल की बात करता हूँ, तो फिल कलर इसमें कौन सा भर दूँ मैं आपको यहाँ येलो, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कलर चेंज हो गया। और इसमें मैं कुछ भी नोट्स लिखना चाहूँ या जो भी मुझे नोट्स बनाने हैं वो यहाँ पे बना सकता हूँ मैं। जैसे कि इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ जैसे कि H2O, ठीक। और यहाँ पे मैंने इसको भी सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है, हमें स्टाइल में जाना है और फिल में जाके हमें यहाँ पे कलर चेंज कर देना है, ठीक। यहाँ पे कलर चेंज हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ CO2, कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। जो भी हमें नोट्स बनाने हैं यहाँ से हम नोट्स बना सकते हैं। अब इसी और यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे देखिए एक साइन दिख रहा होगा आपको, ये क्रॉस के बगल में एक साइन दिख रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो वापस उसी मोड में आ जाएगा, ठीक। और हम फिर से इसको डबल मोड पर करेंगे, फुल मोड पर करेंगे, फुल मोड पर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक एरो और दिख रहा होगा। पहले क्या होता था कि तीन डॉट होते थे, हमें इस पर क्लिक करना होता था तब जाके फुल मोड पर आता था, यानी कि फुल स्क्रीन पर आता था, ठीक। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपली क्लिक कीजिए और ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और ड्रॉप करना है आपको वापस सेम स्क्रीन में आना है या ओरिजिनल स्क्रीन में आ सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि यहाँ पे आप पेज टेम्पलेट पे जाएंगे, यहाँ पे कई सारे आपको थीम मिल जाएगा, किस थीम में आपको पेज टेम्पलेट चाहिए। जैसे कि आपको सिंपल लाइन वाला चाहिए, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप ब्रॉड लेवल पे ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं दूसरा लेना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मैथ वाला एक्सप्रेशन वाला ले सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि दूसरा कोई लूँ, जैसे कि मुझे लगता है कि मैं इसमें पॉइंट वाले लूँ, ठीक। इसमें आपको ड्रॉप बन के आएगा, यहाँ पे कुछ नोट्स बना सकते हैं, कुछ भी लिखना हो, जो भी आप नंबर डालेंगे वो भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ में क्या है कि इसमें आपको कुछ PDF दिख रहा होगा, यहाँ पे इमेज और PDF। अगर आप पूरे PDF में, होल PDF में सेम पेज चाहते हैं या फिर सेम या अलग अलग पैटर्न में चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से PDF में जाओगे और कितने सारे आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे अलग से भी आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि अपने PDF के ऊपर कोई फोटो लगाएं या पीछे फोटो लगा दें या जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए वो भी आप बैकग्राउंड लगा के सारे PDF में, आप सारे फाइल में ये हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इस मान के चलिए पूरा PDF दिया है, इसमें अलग अलग आपको टेम्पलेट देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला टेम्पलेट ये दे रखा है, दूसरा टेम्पलेट इस प्रकार का मिलेगा आपको, तीसरा इस प्रकार का मिलेगा और अगला इस प्रकार का मिलेगा। आप इसमें अपना जो वीकली प्लान है वही बना सकते हो, मंथली प्लान है वही बना सकते हो। इसमें कुछ नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, इसमें भी आप मर्ज कर सकते हो और यहाँ से आप इसके करके से स्वाइप करके और ऐड भी कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया टेम्पलेट। अगला यहाँ पे पेज सेटिंग। पेज सेटिंग में एक होता है कि आपको किस वर्टिकल डायरेक्शन में आपको मूव करना है या फिर हॉरिजॉन्टल में, तो दोनों डायरेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। दूसरा क्या है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टेम्पलेट यही रहे लेकिन मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिखाई रहा है, यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने कलर चेंज कर लिया है, मेरा टेम्पलेट सेम रहेगा, पीछे बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम टेम्पलेट को चेंज कर लेते हैं, जो कि हम ब्लैंक टेम्पलेट ले लेंगे यहाँ पे इमेजेस में जाके, और ये हमारा जो सेम टेम्पलेट था यहाँ पे होल कलर में आ गया है, ठीक है। अगली चीज़ यहाँ पे मैं क्या बताऊँगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं फिंगर ड्राइंग ऑन। यहाँ पे मैंने फिंगर ड्राइंग अभी ऑफ कर रखा है, फिंगर ड्राइंग ऑन कर देता हूँ तो मैं फिंगर से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है पाम रिजेक्शन टेक्निक। ये कैसे वर्क करता है कि इसमें आप जैसे ये पाम को हमारा होता है इसको एडजस्ट नहीं करेगा, सिर्फ ओनली ये पेन है इसी को कंट्रोल करेगा, हमारे पैन हाथ को कंट्रोल नहीं करता, किसी भी स्किन को कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है। ओनली पेन को ही कंट्रोल करेगा, ताकि आपको इसमें आसानी से आपको ये फील आए कि आप कॉपी की तरह इसमें लिख रहे हैं, कोई भी नोट्स बना रहे हैं, तो आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से आप जो स्टूडेंट लिए अगर ये टैब की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा टैब है और उनको जरूर परचेज करना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं इसका प्राइस भी बहुत कम हो गया है और सस्टेनेबल भी है, काफ़ी इसमें आपको सुविधा मिल जाएगी, काफ़ी आप ऑनलाइन नोट्स बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वहीं एक चीज़ अब देखिए,
मैं इसमें एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको जो कि मुझे बहुत बेटर लगी। जैसे कि मुझे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है ठीक, और मैं उसको वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ में चाहता हूँ कि उसमें कुछ फैन भी चला सकूँ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं लेकिन उसमें फैन नहीं चलाते हैं, उसके लिए हमें अलग से सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। इसमें आप डायरेक्टली कितनी करना है आपको, यहाँ पे अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा कि आपको साउंड सेटिंग नन रखनी है, मीडिया का यानी कि जो इसका साउंड चल रहा हो, जैसे मान के चलिए इसमें आपको वीडियो चला प्ले कर रहे हैं सिर्फ उसी का साउंड लेगा, ये मेरा एक्सटर्नल साउंड नहीं लेगा। वहीं मैं अगर मीडिया एंड माइक दोनों चालू कर देता हूँ तो एक्सटर्नल साउंड भी लेगा और इंटरनल साउंड दोनों लेंगे। चलिए अब मैं यहाँ पे मीडिया साउंड रखता हूँ, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं शो टैप एंड टचेस, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो जहाँ जहाँ आप टच करेंगे वो शो करेगा वहाँ पे। यहाँ मैं करता हूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग, अब ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, ओके थ्री टाइम नंबर लेता है। अब यहाँ पे आपको एक साइन दिख रहा होगा, ऊपर देखिए यहाँ पे साइन दिख रहा होगा, एक पेंसिल एरो का साइन आ गया है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, जो भी मुझे कलर चाहिए और जिस साइज का चाहिए यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं ब्लैक कलर लेता हूँ, और मैं आपको जैसे कि ऑनलाइन क्लास करना है, ऑनलाइन मुझे टीचिंग करनी है, कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं, आपको दिखा सकते हैं आप कितने अच्छे से दिख रहा होगा कि मैं किसी भी स्क्रीन पे कहीं भी इसको एरो बना के दिखा सकता हूँ ठीक। जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि आपको इंडिया लैप काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी ऐप्स दिखा रहा हूँ, कुछ भी दिखा सकता हूँ इसमें ठीक है। यहाँ लिख सकता हूँ कि आपको गूगल पे सर्च करना है, कुछ भी आपको यहाँ पे ए टू जेड आप वर्क कर सकते हो। और जैसे आप चाहते हो कि ये फिर से रिपीट करूँ से, यानी जैसी स्थिति में है वैसे ही लिखाऊँ, तो कुछ नहीं आपको पेन पे क्लिक कर देना, ये खाली हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगी इसलिए। और जैसे फिर मैं दूसरी ऐप्स पे जाता हूँ, फिर यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ दिखाना है, यहाँ पे कुछ समझाना है, तो आप यहाँ भी ऐसे ही इसी माध्यम से बता सकते हो ठीक है। इसको भी हम जो टूल बार दे रखा है इसको भी हम मूव यहाँ वहाँ कर सकते हैं ठीक है। अब मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कलर चेंज करके बता सकता हूँ, मैं यहाँ पे येलो कलर भी ले सकता हूँ ठीक है, और बता सकता हूँ कि ये ऐप है आप इसको डाउनलोड कीजिए। ऐसे मतलब अगर आपको कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है और उस पर पेन भी चलाना है साथ में, इसके लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल ऐप की परचेज करने की मतलब या फिर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसमें ऑलरेडी ये फीचर दे रखा है। तो ये फीचर्स मुझे बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि आपको ये फीचर्स कैसा लगा और क्या आप इस टाइप को लेना चाहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा है ठीक है। और अगर लेना चाहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ठीक है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, उन्हें जो पता नहीं हो वो भी इनका अच्छे से यूज़ कर सकें ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।